सो यस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में एक न्यू जॉब वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आ रहा है SJVN की तरफ से। SJVN एक मिनी रत्ना PSU कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। इसमें जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें डिप्लोमा और BTEC के फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैकेंसी निकाली गई है SJVN लिमिटेड की तरफ से निकाली गई है। इसके ऑफिशियल वेबसाइट से हमने फुल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है। यह एक मिनी रत्ना PSU कंपनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल के ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। अब बात करें इसमें आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो 9 अक्टूबर 2023 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है और क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए, सिविल वालों के लिए वैकेंसी है, जो आपका पोस्ट होने वाला है जूनियर फील्ड इंजीनियर। SJVN में जब भी डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आती है वो जूनियर फील्ड इंजीनियर की ही आती है। इसमें जो आपका सैलरी होता है लगभग जूनियर इंजीनियर के इक्वेलेंट होता है। तो जूनियर फील्ड इंजीनियर के लिए टोटल 90 वैकेंसी है, तो सिविल वालों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है SJVN कंपनी ज्वाइन करने का। अगर आप इस जूनियर फील्ड इंजीनियर की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, तो अगर आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा है सिविल में, तो आप इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी है, टोटल 15 वैकेंसी है। इसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में तो एलिजिबल है। इसी प्रकार से मैकेनिकल की वैकेंसी है, डिप्लोमा मैकेनिकल एलिजिबल है। अब बात करें यहाँ पर ग्रेजुएशन वालों के लिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं HR की वैकेंसी है जूनियर फील्ड ऑफिसर, टोटल 10 वैकेंसी है। अगर इसमें आपके पास आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर आपके पास डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, लेबर वेलफेयर, बिजनेस मैनेजमेंट, इनमें से किसी में भी डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक क्राइटेरिया रखा गया है, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जूनियर फील्ड ऑफिसर की वैकेंसी, जिसमें ग्रेजुएशन के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी वैकेंसी है जूनियर फील्ड इंजीनियर IT ब्रांच में। तो अगर आपने डिप्लोमा किया है कंप्यूटर साइंस से या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर बात करें यहाँ पर हम जूनियर फील्ड ऑफिसर में ही एक वैकेंसी है डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आपने डिप्लोमा किया है आर्किटेक्चर ब्रांच से, तो इसमें आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल 155 वैकेंसीज निकाली गई है। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो होना चाहिए आपका 30 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर फील्ड इंजीनियर और जूनियर फील्ड ऑफिसर दोनों की पोस्ट के लिए आपका जो सैलरी होगा वो 45,000 रुपये पर मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अलग अलग SJVN की प्रोजेक्ट होते हैं, तो लोकेशन के अनुसार आपका जो सैलरी है वो चेंज हो जाएगा। 45,000 से और अधिक हो जाएगा अगर इन लोकेशंस पे आपको भेजा जाता है, और अगर यहाँ पर इन लोकेशन भेजा जाता है तो आपका सैलरी और अधिक हो जाएगा और अदर बेनिफिट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करें इसमें रूल के अकॉर्डिंग एज में रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं SC ST के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट, और जो फॉर फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट हैं उनको 10 साल का छूट। तो रूल के अकॉर्डिंग एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट वाइज हैं, उसमें उनको रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। तो जो अरुणाचल प्रदेश के डोमिसाइल के कैंडिडेट उनको रिजर्वेशन मिलेगा, J&K जम्मू एंड कश्मीर के जो कैंडिडेट होंगे उनको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और जो कंपनी के एक्स सर्विस मैन है उनको भी रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो सिलेक्ट होने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यानी कि सिलेक्ट होने का 2 ही स्टेप है, CVT टेस्ट और दूसरा DV। CVT टेस्ट की बात करें तो यहाँ पर 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। पार्ट 1 में आपके 70 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं, जो कि आप जिस भी ब्रांच से अप्लाई करेंगे, और पार्ट 2 में आपके 30 मल्टीपल क्वेश्चन होते हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड के होते हैं, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर जॉब लोकेशन का, तो जो भी कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे वो अरुणाचल प्रदेश के किसी भी SJVN प्रोजेक्ट में उनका जॉब होने वाला है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं 18/9/2023 से इसमें अप्लाई स्टार्ट होगा, और अप्लीकेशन जो क्लोज होगा वो 9 अक्टूबर 2023 को होगा। तो अगर आप इसका फुल सिलेबस चाहते हैं इसका वीडियो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप क्लिक करके इसके फुल सिलेबस को देख सकते हैं, और इस वैकेंसी के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर आपको बता दें जो वैकेंसी निकाली गई है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होती है, लेकिन यहाँ पर 45,000 सैलरी काफ़ी अच्छा है। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ये होने वाला है, मतलब ये प्रोजेक्ट पे जो आपका वर्क होगा वो 5 साल का होगा, यानी कि आप इसमें 5 साल वर्क करेंगे, 5 साल वर्क करेंगे, इसमें आपका सैलरी 45,000 होगा। तो जिनको भी जॉब की नीड है वो इसमें अप्लाई करके सेलेक्ट हो सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस ज़्यादा हार्ड नहीं है, ईजी है, केवल एक CBT टेस्ट होता है, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं जरूर से अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिए।